हेलो स्टूडेंट, क्लास 2, सब्जेक्ट है आपका कंप्यूटर्स। यहाँ पे देखिए, इसमें हम अपने 3 चैप्टर्स हमने इसमें कंप्लीट कर चुके हैं। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, अदर पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर एंड विंडोज़, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो आज हम इसमें अपना स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन बैंक। पेज नंबर 49 में आपका क्वेश्चन बैंक हम स्टार्ट करेंगे आज। यहाँ पे देखिए, ये लास्ट वीडियो में आपको मैंने बताया था कि ये आप करेंगे इसको। लास्ट वीडियो में आपको मैंने ये आपको होमवर्क दिया था, छोटा सा आपको होमवर्क दिया था। ये आपको मैं बता देती हूँ, ये आपका यहाँ से क्या है, ये आपका ये स्टार्ट बटन है, ठीक है। इसको आप बुक में ही कर लीजिए, ये आपका स्टार्ट बटन है। इसके बाद है आपका, ये आपका क्या है जो पहला वाला है, ये आपका रिसाइकल बिन है। जब आप विंडो ओपन करते हैं तो आपका जो डेस्कटॉप, जो आप सॉरी अपना कंप्यूटर जब ऑन करते हैं तो आपका जो डेस्कटॉप स्क्रीन पे आपको इस तरीके का एक मिलता है आइकन, वो क्या है आपका रिसाइकल बिन। ये आपके क्या है, ये आपका क्या है टाइम है जो आपका सिस्टम ट्रे में आपको मिलती है, और ये आपका क्या है, ये आपकी है डेट यानी कि आपकी तारीख। तो ये आप इसको बुक में कर लीजिए, ठीक है। ये आपका रिसाइकल बिन, ये आपके डेट हो गई, ये आपका टाइम हो गया, और ये आपका क्या है स्टार्ट बटन। इसके बाद आज हम अपना क्वेश्चन बैंक हम स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 49 में। क्वेश्चन बैंक हम करेंगे इसमें जो हमने 1, 2, 3 हमने चैप्टर्स अपने कंप्लीट कर चुके हैं उसी से रिलेटेड हम क्या करेंगे आज क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चन बैंक अपना स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट है आपका स्ट्रेट ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कुछ स्टेटमेंट, कुछ वाक्य आपको मिले हैं, सही और गलत आपको बताना है। तो चलिए कॉपी में आप किस तरीके से कर देखिए। क्वेश्चन बैंक है आपका पेज नंबर 49, स्टेट ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सही और गलत आपको बताना है। पहला है आपका, कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। बिल्कुल सही है, ये कंप्यूटर आपका क्या है इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। जो कि आपका कंप्यूटर है वो किससे चलता है, आपका बिजली से। तो ये क्या है आपकी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। जितनी भी मशीन्स आपकी बिजली से चलती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक मशीन, और जो आप हम खुद से चलाते हैं मैनुअली वो आपकी क्या होती है मैनुअल मशीन। सेकंड है आपका, कंप्यूटर रिक्वायर्स ह्यूमन पावर टू वर्क। अब ये कह रहा है कि कंप्यूटर को इंसानों की ज़रूरत होती है चलाने की, चलने के लिए, काम करने के लिए उसे ह्यूमन पावर की ज़रूरत पड़ती है। तो ये स्टेटमेंट आपका क्या है रॉन्ग यानी कि फॉल्स, क्योंकि कंप्यूटर आपकी क्या है एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन, उसे आपको धक्का थोड़ा ना लगाते हैं, यानी कि ह्यूमन की पावर नहीं लगती, उसे क्या चाहिए होती है इलेक्ट्रॉनिक मशीन है वो, तो उसे बिजली से चलाया जाता है, बिजली से अपना काम करती है, ठीक है। थर्ड है आपका, मैन वर्क्स फास्टर दैन कंप्यूटर। ये आपका स्टेटमेंट बिल्कुल फॉल्स है। यहाँ पे ये कह रहा है कि जो मैन है, जो आदमी है यानी कि जो ह्यूमन है, वो जल्दी यानी कि तेज गति से कंप्यूटर से तेज गति से काम कर सकता है। ये बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि कंप्यूटर आपका फास्टर काम करता है कंपैरिजन टू ह्यूमन पावर। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट आपका क्या है रॉन्ग फॉल्स। नेक्स्ट है आपका प्रिंटर इज़ यूज्ड फॉर गेटिंग द रिज़ल्ट ऑन पेपर। ये बिल्कुल सही है, जो प्रिंटर होता है आपको पता है कि प्रिंटर से हम कोई चीज़ प्रिंट आउट निकालते हैं और उसका जो रिज़ल्ट होता है, जो भी हमको प्रिंट आउट चाहिए होता है वो हमें एक क्या मिलता है एक पेपर के थ्रू, पेपर पे वो आपका क्या मिल जाता है आपको टाइप, आपको जो आपको चाहिए वो आपको मिल जाता है रिज़ल्ट। तो ये बिल्कुल क्या है आपका बिल्कुल सही है ट्रू। नेक्स्ट है आपका, स्पीकर इज़ यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग द वॉइस इन कंप्यूटर। ये बिल्कुल रॉन्ग स्टेटमेंट है, जो स्पीकर होता है वो आपका क्या है सुनने के काम आता है, ऑडियो आउटपुट आपको देता है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि रिकॉर्डिंग करता है वॉइस कंप्यूटर की, ये बिल्कुल क्या है आपका रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो ये आपका क्या है फॉल्स, रिकॉर्डिंग के कहाँ से कंप्यूटर में किससे करते हैं माइक्रोफोन। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट क्या है आपका रॉन्ग, क्योंकि स्पीकर आप लिसनिंग म्यूज़िक सुनते हैं, आप मूवी सुनते हैं या कोई वीडियो आप देखते हैं तो उसका साउंड आप सुनते हैं। तो यहाँ पर ये जो आपका स्टेटमेंट है ये क्या आपका रॉन्ग। तो ये हमारे क्वेश्चन बैंक के आज हमने ट्रू फॉल्स के 5 हमने स्टेटमेंट ले लिए हैं। इसे आप पढ़ेंगे, लर्न करेंगे, 3 चैप्टर्स आपके कंप्यूटर में कंप्लीट हो चुके हैं।
तो इससे रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ अब तक आपको करवाई हैं उन्हें आप लर्न करते रहेंगे, और जो आप क्वेश्चन बैंक है इससे भी आपने जितना आपको करवाया जा रहा है ये आपने लर्न करना है, चैप्टर्स आपने अपने लर्न पढ़ने हैं, रीडिंग करनी है। सो थैंक यू क्लास।